So tomorrow is your result day. You will see what mistakes you have made in exam, right? Accordingly, improve yourself. Actually, you know that the chapters we have done or the test of the chapter or the paper of the chapter we have gone, they become the past, right? We are not going to have those chapter in future. So I'm not going to discuss that this mistake, that mistake, this should be right, that should be right. ठीक है? अगर कुछ आपको लगा अपने पास नोट करके रख लेना, नेक्स्ट डे मुझे पूछ लेना कि मारा गलत कैसे हुआ, राइट? सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नेक्स्ट टर्म. आपकी टर्म वन फिनिश हो गई, टर्म टू का आपको पता है सेमेस्टर सिस्टम है. टर्म वन में से आपको कोई चैप्टर जो है वो पेपर में नहीं आएगा. वट एवर वी विल डू दैट इज फॉर द सेकेंड टर्म, पेपर विल बी फ्रॉम द चैप्टर्स ऑफ द सेकेंड टर्म ओनली, राइट? And from those, we are going to start with chapter number 13, surface area volume. It's my humble request to all the students who are present over here. Please do bring your book. From tomorrow, I hope that all of you will be with your own book. Okay? Is it okay? Book सबके पास अपनी होनी चाहिए. और अगर in between किसी को एक दूसरे के साथ interact करने का बहुत मन कर रहा है, तो मेरी permission लेके please class से बाहर चले जाना. क्यों ऐसे मेरे को भी गुस्सा आए, मैं क्यों डांटू आपको, ठीक है ना? चलिए तो हम शुरू करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर बुक, राइट? 30th इज द डेट टुडे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड टर्म, राइट? सरफेस एरिया वॉल्यूम, दिस चैप्टर इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. 13.4 तक आपको जो है 3D शेप्स का कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. एंड 13.5 से लेके आई थिंक 13.8 और 9 तक आपको, 8 तक आपको इन्हीं सॉलिड शेप्स के वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे. तो सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इट इज इन द केस ऑफ 3D शेप्स. Earlier we have discussed the formulas with the 2D shapes. In 8th standard to some extent you have done 3D shapes volume. आपने सिलेंडर का किया होगा, क्यूबॉइड का किया होगा, है ना? If the chapter is not deleted or I don't know exactly, आपको पता होगा कि आप करके आए हो कि नहीं. किया था कि चैप्टर डिलीट था? चैप्टर डिलीट था. चलो एनी हाउ, सो ये 3D शेप्स और 2D शेप्स में, जैसे कि हम कहें कि हमारे पास ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा, पेरीमीटर निकालना सीखा, सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कल का एरिया, ठीक है? 2D शेप में स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का पेरीमीटर, लाइक पैरेललोग्राम एंड ऑल दैट. हाँ, इनके केसेस में, इन केसेस में 2D शेप्स के केसेस में वी हैव नॉट टॉक अबाउट द, यू कैन से, कर्व्ड सर्फेस एरिया और द टोटल सर्फेस एरिया और द वॉल्यूम. These things we will discuss under 3D shapes. आप किसी पेज ऑफ पेपर की अगर हम बात करें तो उसका एरिया हमारे पास होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, मींस कि उसका कोई, क्योंकि कर्व पोर्शन नहीं है, वो एक प्लेन फिगर है, वो किसी तरह से मुड़ नहीं रही, ना ही वो राउंड शेप में मुड़ रही है और ना ही वो स्क्वेयर शेप में मुड़ रही है. जो चीज मुड़ती नहीं है उसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात नहीं कर सकते. सेम सिमिलरली 2D शेप में, क्योंकि एक ही फेस की बात कम करते हैं, ट्राइंगल का एक ही फेस हम मानते हैं, तो जिसके फेसेस ही नहीं है उसका टोटल सरफेस एरिया भी हम बात नहीं कर सकते, राइट? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ सर्टेन थिंग टू कंटेन द लिक्विड और द सॉलिड मटीरियल इन इटसेल्फ. अगर मैं आपको बोलूँ कि इस ट्राइंगल में आपको जो है आइसक्रीम भरनी है, इट विल नॉट बी पॉसिबल. इस ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप फिगर में आपको टॉफीज डालनी है, it is not possible. That's why in 2D shapes we do not talk about curved surface area, total surface area and volume. We directly do the area and perimeter, right? Now come to 3D shapes. 3D shapes, you all know that the shapes which are having length, breadth as well as height as well, जिनकी height भी होती है, वो 3D shapes बन जाती है हमारे पास. सॉलिड होती हैं जो स्पेस में. अब जैसे अगर मैं आपके सामने स्फीयर की बात करूं तो आप कहोगे कि हमें तो स्फीयर की रेडियस ही पता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में तो हमने कभी बात ही नहीं की. बट स्फीयर एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम यहाँ पे बुक पे रखें तो ये स्पेस में कुछ ना कुछ अपना स्पेस का कुछ ना कुछ हिस्सा कवर कर
करेगा। ये तो नहीं है कि स्फीयर जो है वो जमीन को ही टच करेगा, वो स्पेस में भी हिस्सा कवर करेगा। तो सॉलिड शेप्स के केस में वी विल टॉक अबाउट द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया जो है वो 2D शेप में होगा, ठीक है, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस वो भी 2D शेप में होगा। तो हमारा चैप्टर 3D शेप से रिलेटेड है। अब कहीं कहीं 2D शेप्स का एरिया वगैरह जो आपने पीछे चैप्टर्स में लर्न किया हुआ है यूज होगा, बट मेनली वी विल डील विद द 3D शेप्स। सो व्हाट आर द सॉलिड शेप्स, 3D शेप्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, स्पेस में अपनी जो जगह है उसको ऑक्यूपाई करती हैं, उनको हम 3D शेप्स बोलते हैं। थ्री डायमेंशंस इनकी होती हैं, यानी कि ये एक्स एक्सिस की तरफ भी ऐसे बढ़ती हैं, स्पेस भी कवर करती हैं, वाई एक्सिस मींस इनकी ऊंचाई भी होती है, और इनकी जो है वो विड्थ भी होती है, मोटाई भी होती है, इसलिए इनको हम 3D शेप्स बोलते हैं। अब सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट 3D शेप वी आर गोइंग टू डिस्कस, आई वुड लाइक टू डिस्कस विद क्यूबॉइड। बुक में पहले क्यूब दिया हुआ है, बट वी विल डिस्कस क्यूबॉइड। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो हमें पता है कि इस तरह से इसकी जो है वो हमारे पास शेप होती है। जो हॉरिजॉन्टली बढ़ रही है उसको हम बोलते हैं लेंथ, और जो वर्टिकली इंक्रीज हो रही है उसको हम बोलते हैं हाइट, और जो स्लैंट इंक्रीज हो रही है दैट इज कॉल्ड द विड्थ, दैट मींस ब्रेथ। याद रखना, हॉरिजॉन्टली इंक्रीज विल बी द लेंथ, वर्टिकली इंक्रीज इज रिगार्डेड एज हाइट, एंड स्लैंट इंक्रीज इज द ब्रेथ। सो क्यूबॉइड इज ए 3-डायमेंशनल फिगर Having length, breadth and height. कुछ पॉइंट्स इसके नोट करने वाले हैं हमारे पास। बॉटम फेस कंसिस्ट लेंथ एंड ब्रेथ। जो हमारे पास क्यूबॉइड का बॉटम फेस है उसमें लेंथ एंड ब्रेथ होगी। अब आप इमेजिन करो हम इस रूम में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, आपने 3D फिगर्स का पीछे चैप्टर किया है, यू नो दैट क्यूबॉइड इज हैविंग हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस। वन इज द बॉटम फेस जो कि हमारे पास हमारे रूम में अर्थ है जिसपे हम खड़े हैं, एंड अनदर इज द रूफ टॉप फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस, फ्रंट फेस एंड बैक फेस। इस रूम के टोटल कितने फेसेस है, 6। दैट मींस कीबोर्ड इज हैविंग 6 फेसेस। कोने कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके कोने हैं। आप देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ये जो मैंने बिंदियां बनाई इसकी हमारे पास वर्टिसेस हैं 8, और ये जो एजेस हैं इनको काउंट करोगे दे विल बी 12 इन नंबर। हाउ मेनी एजेस, 12। सिक्स फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस कलेक्टिवली मेक अ सॉलिड नोन एज क्यूबॉइड। हॉरिजॉन्टली लेंथ इंक्रीज होगी, वर्टिकली हाइट इंक्रीज होगी, और स्लैंट में ब्रेथ इंक्रीज होगी। अब हम इस क्यूबॉइड के जिस चीज के बारे में हमें बात करनी है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, LSA। इट इज आल्सो नोन एज लेटरल सरफेस एरिया, एंड इन केस ऑफ क्यूबॉइड इट इज ऑल्सो नोन एज एरिया ऑफ फोर वॉल्स। यूजुअली देयर नेम इज कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, बट इन केस ऑफ क्यूबॉइड वी कॉल इट टू बी एरिया ऑफ फोर वॉल्स। अब लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया एज द नेम सजेस्टेड इज द एरिया
which the solid is you can say describing or is making in the curve form. आसपास के हिस्से जो किसी सरफेस के जिस एरिया को बनाते हैं उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. अब अगर मैं बात करूं जिस रूम में हम बैठे हैं इस रूम की, तो जब जहां तक इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का सवाल है, तो यू कैन वेरी मच इमेजिन कि सिर्फ आसपास वाली दीवारें ही जो है वो एक कर्व बना रही है, आसपास का हिस्सा कवर कर रही है. कर्व्ड में ना तो अर्थ आ रही है, बॉटम फेस आ रहा है, और ना ही टॉप फेस आ रहा है. यानी कि ये वाले जो चार फेसेस हैं टॉप और बॉटम को छोड़ के, दे आर फॉर्मिंग कर्व्ड सरफेस एरिया, दे आर कलेक्टिवली फॉर्मिंग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. अब मैंने यहाँ पे कुछ आपको लिखवाना चाह रही थी, पहले मैंने ये बताया आपको. देखो बॉटम फेस जो है वो उसकी डायमेंशन में एल एंड बी आते हैं, आपको दिख रहा है ये बॉटम पे है एल एंड बी. जो बॉटम फेस होगा वही टॉप फेस होगा, आइडेंटिकल है. तो इसका मतलब आप लिख लो बॉटम एंड टॉप फेस दे कंसिस्ट ऑफ एल एंड बी. सेकंड, राइट एंड लेफ्ट फेस कंसिस्ट ऑफ बी एंड एच. अब एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो बोर्ड की इंस्ट्रक्शन है टेंथ के लिए कि जो सेकंड टर्म है वो सब्जेक्टिव होगी, तो सेम इज फॉर नाइन्थ आल्सो, सेकंड टर्म पेपर विल बी सब्जेक्टिव, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर. सो राइट एंड लेफ्ट फेस जो है उसमें हमारे पास बी एंड एच आ गया, और जो बैक एंड फ्रंट फेस है उसमें कौन आएगा, एल एंड एच. देखो ये फ्रंट फेस, वो चेंज हो जाता है फिर उस हिसाब से. हाँ, हम यूजुअली जनरल फॉर्म क्यूबॉइड की यही लेंगे, ठीक है. सो जो हमारे पास फ्रंट एंड बैक है उसमें हमारे पास क्या आएगा, एच एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बॉटम फेस और टॉप फेस रहेगा, जिसमें एल एंड बी होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड. कोई भी आप शेप बना लो गुरुपाल जी, बॉटम एंड टॉप सेम रहेगा, एल एंड बी. दूसरा चाहे चेंज हो जाए, बॉटम एंड टॉप विल बी रिमेन द सेम, ठीक है. तो ये छह फेसेस हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया. सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया में आसपास वाले फेसेस के एरियाज ऐड होंगे. आसपास वाला फेस अगर मैं ये वाला देखूं फ्रंट फेस, तो इसमें कौन आ रहा है, लेंथ एंड ब्रेड्थ. और यू नो that in case of cuboid each face is of what shape, rectangle. क्योंकि सारे जब हमारे पास length breadth अलग हो जाती है faces की, तो वो rectangle है, right? तो इसका मतलब area क्या होगा, length into breadth. अगर हम front face की बात करें, this will be L into H, so is back face L into H. दो faces add हो गए, front वाला and back वाला. उनका क्या add करना है, area add करना, because we are talking about area, right? This is L into H plus L into H. अब right and left face, that is BH. LB को भूल जाओ, LB कहीं नहीं आएगा, क्योंकि top and bottom is LB, उसको नहीं लेना हमें. This is B into H plus B into H. This becomes LH plus LH plus BH plus BH. This is 2HL LH plus 2BH. 2H common into L plus B, and we'll remember it as 2 into L plus B multiplied by H. 2LH plus 2BH, I'm taking 2H as common, here it is L plus B. So sequence mein isko yaad karne ka tarika kya hota hai, 2 into L plus B multiplied by H. This is the curved surface area, in other words, lateral surface area, and in case of cuboid, it can also be regarded as area of four walls. 2 into L plus B multiplied by H. Kya formula hai? 2 into L plus B multiplied by H. Ab maine isko derive kyun karke dikhaya? Main seedha aapke saamne iske formula ka answer bhi likh sakti thi. डिराइव मैंने इसलिए करके दिखाया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा इस तरह से
कि दो बॉल्स का एरिया फाइंड करो, फ्रंट एंड बैक का एरिया फाइंड करो, राइट एंड लेफ्ट का एरिया फाइंड करो, तब आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट फेसेस के एरियाज को ऐड करना है. सो व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ और लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, बोलो सारे, 2 × L + B × H. L और B को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई राइट साइड से H से कर दो और लेफ्ट साइड से 2 को कर दो. 2 × L + B × H, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट्स टोटल सरफेस एरिया. चॉक्स नहीं है, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया में सारे फेसेस का एरिया ऐड होएगा, टॉप का, बॉटम का, राइट का, लेफ्ट का, फ्रंट का, बैक का, यानी LBLB 2 टाइम्स, BHBH 2 टाइम्स एंड HLHL 2 टाइम्स. नीचे का LB, ऊपर का LB, ठीक है, साइड का BH, राइट का, लेफ्ट का BH, फ्रंट का LH, बैक का LH, टोटल सरफेस एरिया, दिस इज 2 LB, 2 BH प्लस 2 HL. सारे फेसेस का एरिया, टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ कर्व्ड नहीं घूमेगा, सारे फेस इंक्लूड होंगे. सो वी आर टेकिंग 2 एज कॉमन, इनसाइड इट इज LB प्लस BH प्लस HL. दिस यू हैव टू रिमेंबर इट एज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. इसको याद करने का तरीका देखो कितना आसान है. 2 LB, जिस कारण सुन लो बेटे, 2 LB, B पे खत्म, B से शुरू, BH, H पे खत्म, H से शुरू, HL. बिल्कुल इसको रिदम में याद करना है, 2 × LB + BH + HL. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. अब मैंने आपको कर्व सरफेस एरिया के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगी. कर्व्ड सरफेस एरिया को याद रखने का तरीका बता दिया, 2 × L + B × H. और दूसरी बात आपको ये बता दी कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में, दैट इन कर्व्ड सरफेस एरिया ओनली द कर्व्ड पोर्शंस एरिया विल बी एडेड. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया वर्क करता है, आप ध्यान से देखो जरा, इस बेस फेस को ध्यान से देखो. We all know, Tushar, any problem? We all know that this base face is a rectangle. Agree? With length L and breadth B. और जिस rectangle की length L हो और breadth B हो, उसका perimeter क्या होता है? 2 × L + B. Everyone agree? तो इसका मतलब ये तो हुआ perimeter of base. ये क्या हुआ? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू एच क्या थी? हाइट. यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया के बिहाइंड, इसके फॉर्मूले के बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट वर्क करता है, हर एक में ये कॉन्सेप्ट चलेगा. आगे आगे जैसे मैं करवाऊंगी, मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगी हर फिगर का, सॉलिड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो किन दो चीजों को मल्टीप्लाई करके आता है? पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट. This is the basic concept behind the curved surface area of a solid, that when you multiply perimeter of the base by height, you get the curved surface area. क्यों मैंने ये बताया? कभी कभी पेपर में आपको दिया होता है that you are having perimeter of the base is 4 and height is 3, find the curved surface area. वहां पे बच्चे कहते हैं कि कुछ भी नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन गलत है. कितना आंसर आएगा? 12. यानी कि पेरीमीटर, जब बेस का पेरीमीटर हाइट से मल्टीप्लाई होता है, then we get the curved surface area. Total surface area में सारे जितने भी faces हैं, 6 faces हैं, सबका area add हो जाएगा. LB नीचे वाले का, LB ऊपर वाले का, BH right वाले का, BH left वाले का, LH back वाले का, LH front वाले का, 2 × LB + BH + H. Is it okay? अब जहां तक हमारा इस एक्सरसाइज का सवाल है, इसमें हमें क्यूबॉइड एंड क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया ही डिस्कस करना है. वॉल्यूम जो होगा वो 13.5 में जाके आएगा, पर मैंने वॉल्यूम साथ साथ डिस्कस कर लेना, फॉर्मूला, ठीक है? चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं.
जैसे कि मैंने आपको बताया कि कर्व्ड सरफेस एरिया किसी भी सॉलिड का पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट करके आता है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, सबको पता होगा कि वॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, हमने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है। दिस इज एल इंटू बी इंटू एच। ध्यान से देखो जरा बेस फेस को, बेस फेस में एक लेंथ है, एक ब्रेथ है। अगर मैं आपसे पूछूं इस बेस फेस का एरिया क्या है, एल इंटू बी, तो ये क्या हो गया एल इंटू बी, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई क्या हाइट। यानी कि किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करके आता है। पेपर में अगर लेंथ ब्रेथ हाइट इंडिविजुअली ना देके आपको बोल दिया जाए कि बेस का एरिया 12 है और हाइट जो है वो 7 है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया जो है, वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हो। हाँ जी, क्या करेंगे, एरिया ऑफ फाइव साइड्स। वो डिपेंड होगा अगर उसने बोला कि आपने एक वॉइडल बॉक्स बनाना है, ढक्कन नहीं लगाना, तो नेचुरली आप उसको एक एलबी को माइनस कर दोगे, ठीक है। अगर आपने ऐसा बॉक्स बनाना है जिसके नीचे कुछ नहीं है, जैसे कि आपकी कार का जो कवर है, कार के कवर को पहले नीचे बिछाते हो, फिर कार खड़ी करते हो, फिर बंद करते हो, नहीं, ऊपर उसका बेस नहीं होता ना, तो उसमें से एक एलबी निकल रहा है। That depends upon the question I will tell you accordingly. You just remember that perimeter of the base into height, curved surface area, area of the base into height is the volume of the solid. ठीक है? तो अभी तक हमने तीन फॉर्मूले याद किए, curved surface area 2 into L plus B into H, total surface area 2 into LB plus BH plus HL prop, जो please keep quiet. Volume L into B into H. These are the three basic formulas that we will use in case of cuboid. अब देखना जरा, ये था हमारे पास cuboid का curved surface area. Cuboid और क्यूब में बस इतना सा फर्क है कि जहां पे लेंथ ब्रेथ हाइट सारे सेम हो जाते हैं, हम यूजली इसको ए लेते हैं एज को, जहां पे सारे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम हो जाएं, इक्वल वैल्यू के हो जाएं, तो वो क्यूबॉइड क्या बन जाता है, क्यूब। और क्यूब के केस में हर एक फेस जो है वो रेक्टेंगल ना होके क्या कहलाता है, स्क्वायर। अब अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब का निकालना है, तो इसका मतलब चार हिस्से, हर एक स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया साइड अगर ए है तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का फिर से ए स्क्वायर, तीसरे स्क्वायर का ए स्क्वायर, चौथे स्क्वायर का ए स्क्वायर, बिकम्स 4a2। अदरवाइज आप इसमें ए पुट कर दो एल और बी की जगह, यू गेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू बी 4a2। चार फेसेस का एरिया एड हुआ, 4a2 बन गया कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तब आपको 6 के 6 फेसेस का एरिया ऐड करना होता है, और हर एक फेस का एरिया क्या आएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा, 6a2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a2। हाँ जी, कर्व्ड सरफेस, हाँ जी, क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a2, वेयर ए इज एज और साइड, कुछ भी बोल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a2, वेयर ए इज एज और साइड, यू कैन कॉल इट एनीथिंग। अब कुछ बच्चों को इन दोनों फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन रहती है कि 4 किस में आएगा, 6 किस में आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा कम होता है, टोटल सरफेस एरिया हमेशा ज्यादा होता है। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया, इट विल बी 6a2, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कर्व्ड सरफेस एरिया, इट विल बी 4a2। अब यहां पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, हाँ जी, साइड है, एज कह सकते हैं, साइड, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो। मैंने क्या बोला था, कर्व्ड सरफेस एरिया के बिहाइंड बेसिक क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। ये स्क्वायर है, साइड ए है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4a इनटू साइड, और हाइट कितनी है, ए, तो क्या बन गया, 4a2, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, सारे सेम हो गए, ए इनटू ए क्यूब,
यहाँ पे अप्लाई करो, क्या था वॉल्यूम के बिहाइंड कॉन्सेप्ट? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। बेस का एरिया क्या आएगा? ए स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर है और हाइट कितनी है? ए। मिलके क्या बन गया? ए के। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि वहां पे दो डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, और वॉल्यूम का हमेशा क्यूबिक में होगा। ठीक है, अब इन फॉर्मूलास पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 13.1। इफ यू आर नोइंग दीज फॉर्मूलास एक्सेप्ट दीज टू, क्योंकि ये बाद में आएगा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, दीज फोर फॉर्मूलास विल बी अप्लाइड इन एक्सरसाइज 13.1। इसके अलावा दो चीजें और आपको बताना चाहती हूँ। लेंथ ऑफ ऑल द एजेस, आपके पास 12 एजेस होते हैं क्यूबॉइड के केस में, जब आप उन सबकी लेंथ को ऐड करते हो तो आपके पास बनेगा 4 × L + B + H। चार बार L ऐड हुआ, चार बार B ऐड हुआ, चार बार H ऐड हुआ, तब आपके पास लेंथ ऑफ ऑल एजेस बनती है, दैट इज 4 × L + B × L + B + H। ठीक है अंश। और जब हम क्यूब के केस में करते हैं, L, B, H सारे किससे रिप्लेस हो जाएंगे? A से, सेम से। 4 × 3 है, दैट इज 12। क्यूब के केस में लेंथ ऑफ ऑल एजेस विल बी 12। ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? उसने आपको बोला कि आपके पास एक क्यूबॉइड है, उसके सारे एजेस को आपने टेपिंग करनी है, तो कितनी टेप रिक्वायर्ड होगी? तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगा देना है? लेंथ ऑफ ऑल द एजेस, जितनी लेंथ होगी एजेस की उतनी टेप चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। एक हमने करना है लेंथ ऑफ डायगोनल, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। इसका प्रूफ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको सीखना होगा इंडिविजुअली आ जाना, बता दूंगी पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये प्रूव होता है, that length of the diagonal of the cuboid is square root of L square plus B square plus H square। अगर cube का निकालना है तो सबको A से replace कर दो, this becomes root 3A square, that is root 3 × A। ये मैंने जितना कुछ भी board पे लिखा है, this is all about cube and cuboid। पूरे चैप्टर में क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड ये वाले फॉर्मूले जो कि आपके बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं यूज होने हैं, इनको अच्छे से याद करते जाओ, क्योंकि एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज वी विल लर्न द फॉर्मूलास फॉर द नेक्स्ट 3D शेप। अभी हमने दो के लिए किया, अगली एक्सरसाइज में सिलेंडर आ जाएगा, फिर स्फीयर आ जाएगा, फिर हेमिस्फीयर आ जाएगा, तो बेटर है कि हम साथ साथ, कौन आएगा बीच में, तो बेटर है कि हम साथ साथ इनको लर्न करते जाए। फॉर्मूलास क्लियर है सबको? डेरिवेशन सिर्फ जो मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया की करवाई है उसको याद कर लो, और ये याद रखना कि वॉल्यूम के बिहाइंड जो है वो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, और कर्व्ड सरफेस एरिया के बिहाइंड पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बताई है मैंने, क्वेश्चंस में यूज होनी है। दोनों का रूट मिला, 3 के ऊपर रूट ऐसे लगा रह गया, ए स्क्वायर का रूट ए बन गया। एनी प्रॉब्लम बोथ ऑफ यू?
बड़ी खुशी हो रही, कोई पिक्चर रिलीज हो रही थी दोनों की। चलिए यस एक्सरसाइज 13.1। सारी क्लास आई एम वेरी हैप्पी, इतने डिसिप्लिन वे में बैठे हुए हैं, एक्सेप्ट दिस स्कूल। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देयर इज ए प्लास्टिक बॉक्स, साथ साथ सारे कैलकुलेशंस करना, चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट चाहे ऑफलाइन, साथ साथ चेक हो जाएगा आपका। देयर इज ए प्लास्टिक बॉक्स हुज लेंथ इज गिवन टू बी 1.5 मीटर्स, ब्रेथ इज गिवन टू बी 1.25 मीटर्स and height is 65 centimeter. Let us convert it into meters. Divide by 100. देखो मैंने इसको मीटर्स में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आगे जो पोस्ट दिया हुआ है वो मीटर स्क्वेयर में है, तो इसलिए सारी डायमेंशन को मीटर में कर लेना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स इज गिवन। इट इज ओपनड एट द टॉप, ढक्कन नहीं लगाना जी बॉक्स पे, ओपनड एट द टॉप। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमिन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। अब यहां पे आपकी समझ काम करेगी। बॉक्स जो है वो ऊपर से ओपन है, इसका मतलब एक तो चारों वॉल्स का एरिया जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, दैट इज 2 × L + B × H प्लस बॉटम, बॉटम में कौन था, LB, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स प्लस बेस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फोर वॉल्स प्लस बेस, एरिया में से एलबी निकाल के भी हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारा एरिया निकाल के उसमें से एक एलबी माइनस कर देते हैं, दैट इज आल्सो वन वे। तो वैल्यूज पुट करो, 2 × 1.5 + 1.25 × H 0.65, सारे बच्चे कैलकुलेशन साथ साथ करेंगे, प्लस L × B, L इज 1.5, B इज 1.25। चलिए डू इट्स कैलकुलेशन एंड विल गेट द आंसर ऑल ऑफ यू। यू डू कितना आंसर आ रहा है, 5.45 मीटर स्क्वेयर। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट इट टू बी 5.45 मीटर स्क्वेयर। अब इसमें कॉस्ट भी पूछा है आपसे, कॉस्ट ऑफ मेकिंग परचेजिंग द शीट एट ₹20 per meter square। 1 meter square का कॉस्ट कितना है, 20। 1 meter square cost is 20, so 5.45 meter square, 20 × 5.45, कितना आ रहा है, 109 rupees, 109 is the answer. So we'll continue tomorrow. Please revise the formulas and make your copy side by side.